श्रीनगर में भी अब ओला और उबर की तर्ज पर मोबाइल ऐप आधारित टैक्सी सेवा शुरू हो गई है। दरअसल पहली ऐप आधारित कैब सेवा आला कैब्स उद्यमशील युवाओं द्वारा शुरू की गई है। अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग से बनाए गए इस ऐप के जरिए उपयोगकर्ता अपने स्मार्टफोन से ही बड़ी ही आसानी से कैब बुक कर सकेंगे, जिससे सड़क पर टैक्सी का इंतजार करने या फोन कॉल करने की परेशानी खत्म हो जाएगी। ये नया उद्यम श्रीनगर के लोगों को जरूरी सेवा प्रदान करने के साथ साथ स्थानीय ड्राइवरों के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रही है। आइडिया मुझे आया कि मैं जब दिल्ली गया हुआ था 2016 की बात है, नए नए कंसेप्ट आ रहे थे दुनिया में ऐप बेस्ड के, तो मेरे मामा ने वहाँ पे ओला बुक किया, तो मुझे वहाँ से एक आइडिया आया ओला यहाँ ऐसे चल रहा है तो कश्मीर में नहीं है हमारे पास वहाँ ऐसी कोई सर्विस, तो मैं श्रीनगर आया। तो उसके बाद फिर हमने सोचने लगा मैं इसके बारे में, 2-3 साल सोचा मैंने, इंटरनेट की बैंस होते थे तो उसके लिए फिर मैं नहीं कर पाया इसको, पर 2020 से फिर मैंने इसको कंटिन्यूसली एक स्ट्रेटेजिक मेथड में इसको फॉलो करता गया और अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में हमें नवंबर में लेटर ऑफ इंटेंट मिला हुआ है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, जो जम्मू कश्मीर की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंट को भी समझाना पड़ा ऐसे है एग्रीगेटर होता है, ऐसे आपको सर्विस मिलेगी, लोगों को हम इतना फ़ायदा देंगे, सस्ता देंगे, एक नियर बाय राइड आ जाएगी आप तक, बहुत चीज़ें उसमें सोचा हमने। तो उसके बाद कंटिन्यू करते रहे और फिर ड्राइवर से मिले, ड्राइवर तक बात पहुंचाई, ये बात ऐसे होता है, ऐप मिलता है इसमें, ऐप में फिर ऐसे होता है, तो कनेक्ट करते हैं हम आपसे। बहुत सारे ड्राइवर्स ने रिजेक्ट किया बट कुछ लोग आए हमारे साथ, करते गए तो फिर कुछ ना कुछ आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको बना लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह परसों हमारी लॉन्चिंग हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नाउ इन सर्विस, और हमारे साथ अभी तकरीबन 200-250 गाड़ियाँ जुड़ चुकी है और हम सर्विस दे रहे हैं अभी कश्मीर में और नियर जो श्रीनगर एरिया है, श्रीनगर की आउटस्कर्ट्स तक हमारी सर्विस है। ऐप का लक्ष्य यात्रियों को आसपास के ड्राइवरों से जोड़ना और सभी उपयोगकर्ताओं को जल्द और कुशल सेवा प्रदान करना है। इस ऐप आधारित कैब सेवा को शुरुआती दौर में ही वाहवाही मिल चुकी है और आने वाले समय में लोकप्रियता हासिल करने की उम्मीद जताई जा रही है।